हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स गाइस। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में आपको इसका जो ब्लॉक वन है वो करवाऊंगी। वैसे मैं इसका ब्लॉक वन ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुकी हूँ, लेकिन जो ये ब्लॉक वन है ना, इसमें बहुत सारी चेक योर प्रोग्रेस गिवन है, तो उसी से ही मैं आपकी स्टार्टिंग करूँगी। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप कि ये हैं आपके पास में ब्लॉक वन, जिसमें आपके पास 4 यूनिट्स हैं। हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, व्हाट इज़ लैंग्वेज, यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। इसके चेक योर प्रोग्रेस को करवाऊंगी मैं आपको। ऑलरेडी मैं 3 चेक योर प्रोग्रेस करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी एक बार चेक कर सकते हैं इसके लिंक्स को। अब स्टार्ट करते हैं चेक योर प्रोग्रेस 4 से, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं इसमें क्या है, चेक योर प्रोग्रेस में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वेट अ मिनट, हाँ जी, से यहाँ पे है। नाउ द हेडिंग इज़ नोइंग अ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है उसकी जान पहचान होना या वो आना किस वे में इम्पॉर्टेंट है, और कब आप कह सकते हैं कि आपको कोई लैंग्वेज आती है, ये करके उसके बाद आपको मैं इसका चेक योर प्रोग्रेस करवाती हूँ। ये पहले इंट्रो पोर्शन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, लैंग्वेज इज़ द यूनिक एबिलिटी दैट मेक्स अस ह्यूमन। वी कैन कम्युनिकेट आर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। मतलब कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स को अगर कोई चीज़ सेपरेट करती है तो वो है लैंग्वेज। कम्युनिकेशन भी नहीं करता, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं उनकी एक अलग लैंग्वेज के साथ में, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें एनिमल से ऊपर बनाती है तो वो है लैंग्वेज। हमारे पास लैंग्वेज एक ऐसी सुपर पावर है जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने और शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को। मतलब इन सब चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। वी यूज़ लैंग्वेज सो स्पॉन्टेनियसली दैट वी हार्डली थिंक अबाउट इट। जब हमें कोई चीज़ बोलनी आती है, मतलब कि जब आप कुछ भी बोलते हैं, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोचते नहीं होंगे, जब हम किसी के सामने बोलते हैं या सबसे ज़्यादा तो लैंग्वेज के टाइम पे हम तब सोचते हैं जब एग्ज़ाम में हमें आंसर शीट में कुछ लिखना और नहीं आ रहा होता तो ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि लैंग्वेज एक इतनी कॉमन सी चीज़ है, जब आपको कुछ बोलना होता है आप सारा दिन नॉन स्टॉप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसमें कुछ इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अनलेस एंड अनटिल आपको वो चीज़ किसी को एक्सप्रेस नहीं करनी हो, किसी के सामने आपको उसको दिखाना नहीं हो। नाउ नॉर्मली वेन वी से वी नो आर लैंग्वेज, मतलब जब हम कहते हैं कि हम लैंग्वेज जानते हैं या आपको कोई लैंग्वेज आती है, तो इट इम्प्लाइज दैट वी कैन स्पीक टू एंड टू बी अंडरस्टूड बाई पीपल हु नो दैट लैंग्वेज। सपोज इफ आई से इट कि मुझे हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, कोई भी लैंग्वेज अगर मुझे आती है तो मैं तभी उस चीज़ को बोल सकती हूँ। और अगर मैंने बोला है कि मुझे लैंग्वेज आती है, तो इट मीन्स कि मैं उस लैंग्वेज को बोल भी सकती हूँ। और अगर कोई उसे बोल रहा है, उसमें कुछ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को बोल रहा है, तो उसे मैं समझ भी सकती हूँ। तो ये चीज़ डिफाइन करती है, ये चीज़ बताती है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो इट मीन्स कि हम उसको बोल सकते हैं और अंडरस्टूड समझ सकते हैं बाय द पीपल हु नो दैट लैंग्वेज। मतलब कि अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो अगर सामने वाला पर्सन हिंदी में बात कर रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इवन आप उसके आंसर्स को भी रिप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों को ही वो लैंग्वेज काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। वहीं अगर ऑपोजिट लैंग्वेज होती है, सपोज मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती हो लेकिन सामने वाले इंसान को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हो, तो उस टाइम पे जो कॉन्वर्सेशन है ना, उसमें थोड़ी सी हर्डल्स आ जाएंगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम दोनों को कॉमन लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नाउ इसमें देखिए, जो नोइंग आ लैंग्वेज है ना, इसमें आपके पास में 3 सब हेडिंग्स हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट करवाती हूँ नॉलेज ऑफ आ साउंड सिस्टम, मतलब कि जो साउंड्स हैं, जैसे कि आपके पास में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनमें ना साउंड सिस्टम बहुत वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना डार्क कलर से जो हाईलाइट है वो देखिए, विवेक और विवेक, मतलब कि दोनों नाम हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स में इसको विवेक बोल रहे हैं, कुछ इसको विवेक बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपने डे टू डे लाइफ में सुने होंगे जिसका प्रोनंसिएशन कुछ अलग होता है, लेकिन उसको बोला किसी अलग तरीके से जाता है, तो वो क्या है, वहाँ पे लैकनेस है किसकी, साउंड सिस्टम की। अब देखिए नॉलेज ऑफ साउंड सिस्टम क्या कहता है, वी नो दैट द साउंड ऑफ दैट लैंग्वेज एंड वी कैन डिस्टिंग्विश द साउंड विच आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज।
दिस फैक्ट बिकम्स क्वाइट क्लियर व्हेन अ स्पीकर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोनाउंस वर्ड्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज. मतलब कि सिंपल सी चीज़ मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. जैसे कोई फॉरनर है, उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है. कोई भी ब्रिटिशर आप एग्जाम्पल में अपने आप में इमेजिन कर लीजिए कि उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है. जब आप उनको हिंदी के वर्ड्स देते हैं या उन्हें हिंदी में कम्युनिकेट करने कॉन्वर्सेशन के लिए बोलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज से आपको क्लैरिफाई हो जाता है कि इसे इंग्लिश अच्छे से आती है, हिंदी अच्छे से नहीं आती है. तो वर्ड्स का प्रोनंसिएशन, वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है. सेम सी चीज़ एक छोटे बच्चे के साथ में होती है. जब बच्चे को ठीक से बोला नहीं आता, बहुत छोटा बच्चा होता है, वो उसे बोला नहीं आता वर्ड्स को, तो जो उस बच्चे से आप वर्डिंग सुनेंगे ना, वो बहुत क्यूट भी लगती है और आपको समझ भी आता है कि उसे वो चीज़ें अभी बोलनी नहीं आ रही हैं. सेम चीज़ इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एक बंगाली का, और मतलब कि कुछ यहाँ पे ना लैंग्वेजेस दे रखी है. इसमें बता रखा है कि हर किसी की ना, हर एक स्टेट की, हर एक पर्सन की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है. सॉरी थोड़ा ना बीच में ज़्यादा ही शोर हो गया था, इसलिए मैंने, और अभी भी हो रहा है, अभी भी वही. मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ सराउंडिंग नॉइस ना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आई एम सॉरी. हाँ, नाउ इसमें देखिए साउंड्स बी और वी के साउंड में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया. मतलब कि ये बता रखा है हर किसी स्टेट का, पर्सन का अलग एक प्रोनंसिएशन होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है. उसके अलावा अगर उसे वर्ड दिए जाएँ तो उसमें बोलने में, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. नाउ फर्स्ट हेडिंग क्लियर हो गई, नॉलेज ऑफ साउंड सिस्टम. सेकेंड वन इज़ नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स. मतलब कि जो वर्ड है, हर एक वर्ड का ना एक अलग मीनिंग होता है, और हर एक लैंग्वेज में उस वर्ड को अलग तरीके से बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको ना यहाँ बुक में एक ट्री दे रखा है. ये बनाने वाला मेरे जैसा ही कलाकार होगा, क्योंकि मैं भी इतनी खूबसूरत बनाती हूँ ड्राॅइंग. तो देखिए ट्री कितना ईजी सा बना रहा है ना. यहाँ पे ये ट्री है और यहाँ पे ये साउंड के कुछ सिस्टम्स दे रखे हैं. मतलब कि अलग अलग तरीके की यहाँ पे लैंग्वेजेस गिवन है. इंग्लिश है, तमिल है, बंगला है, हिंदी है, स्पेनिश है, ये वर्ड्स हैं. और मतलब ये यहाँ की लैंग्वेज में ट्री को ऐसे बोला जा रहा है. इस डायग्राम की हेल्प से ये राइटर ने ये समझाने का ट्राई किया है कि ये साउंड है ट्री के, बहुत सारे साउंड्स हैं और ये लैंग्वेजेस हैं. तो इंग्लिश में ट्री बोला जा रहा है, तमिल में देखिए मारम, और बंगला में गैग, पता नहीं मुझे इसकी प्रोनंसिएशन भी नहीं आती. हिंदी में इसको पेड़ बोल रहे हैं, स्पेनिश में इसको आर्बोल बोल रहे हैं. मतलब कि ये कुछ वर्ड्स हैं, मतलब ट्री को ही अलग अलग लैंग्वेज में किस तरीके से बोला जा रहा है. तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये जो ट्री है ना, हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. जब भी ट्री वर्ड दिमाग में आता है तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं, कि एक ट्रंक होगा, मतलब ऐसे तना होगा, उसके बाद में यहाँ से स्टेम्स निकल रही हैं, ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ है. तो मतलब कि आप इसको देख के, इस डायग्राम से आप ये बता सकते हैं ये ट्री है. आप फिर उसे बोले चाहे किसी भी लैंग्वेज में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि उस एक पर्टिकुलर वर्ड को ये चीज बोली जा रही है. आई होप मैं आपको ये टॉपिक समझा पा रही हूं. अगर स्टिल नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा. इसमें देखिए, नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड. व्हेन वी नो आर नॉलेज, वी आर एबल टू रिलेट साउंड्स ऑफ मीनिंग. दैट इज अपार्ट फ्रॉम आर नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड साउंड पैटर्न्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द सर्टेन साउंड सीक्वेंस सिग्निफाइज सर्टेन मीनिंग्स. मतलब कि जो साउंड है ना वर्ड का, वो एक अलग तरीके का सिग्निफाई करता है उसके मीनिंग के साथ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हिंदी में एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, अच्छा जब हम बोलते हैं ना, उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है. तो उसमें क्या है, जब भी आप बोलेंगे ना, आपके टोन से पता चल जाएगा कि आप किस सेंस में उसे बोल रहे हैं. और जैसे सपोज आप कॉल करके किसी को बोलते हैं कि करो इन्जॉय, तो वो भी आपका टोन ना पता चल जाएगा कि आप गुस्से में बोल रहे हैं, ताने मारने के सेंस में बोल रहे हैं, या अच्छे सेंस में बोल रहे हैं. तो इस तरीके से आपको जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. नाउ इसमें, इस टॉपिक में ना दो वर्ड्स हैं, एक है सिग्निफायर और एक है सिग्निफाइड. मतलब कि जैसे आपको यहाँ पे ना ये साउंड दे रखे हैं, ये जो भी साउंड होता है ना, उसको हम कहते हैं सिग्निफायर. और जो उसका मीनिंग होता है वो क्या होता है, सिग्निफाइड होता है. नाउ इंग्लिश एंड अर्बोल इन स्पेनिश हैज़ नो लॉजिकल करेक्शन. अब अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता, तो आपको नहीं पता कि जो ट्री है ना, उसको और किसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं. अब आपको तो पता है कि ट्री को आप, मतलब ट्री जो पेड़ है, आप उसको ट्री बोल रहे हैं, लेकिन आप कहीं किसी और स्टेट कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे ट्री का कोई और नाम हो और वो आपके सामने वो बोले, तो हो सकता है एक बार को आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर आप अगर वो ट्री का स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करे कि एक ट्रंक है, ब्रांचेज हैं, ऊपर लीव्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो शायद से आपको ट्री अच्छे से समझ में आ जाए. नाउ
ये जो है ना, यहाँ पे आपको एक लिंग्विस्ट का नाम लिखना है। इन्हें जो मॉडर्न लैंग्वेज है ना, इनका फादर बोला जाता है, ये इनका नाम है। इसकी प्रोनंसिएशन बहुत ही डेंजरस सी है, बट फिर भी मैं ट्राई कर देती हूँ। ये है, आई गेस इसे फर्डिनो डी सोस्योसर्स बोलेंगे, सॉरी सोश्योर बोलेंगे, सॉरी। ओके, फर्डिनो डी सोश्योर, ये मेरे अकॉर्डिंग इसकी प्रोनंसिएशन होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये एक स्विस, मतलब ये स्विस लिंग्विस्ट है, इन्होंने ये चीज़ें सब एक्सप्लेन करी थी। आप इनका नाम, जब आप ये थ्योरी लिखते हैं ना, तो उस टाइम पे आप इसका ये जो नाम है यहाँ पे आप ये दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, रिपीटेड है ये, फिर भी एक बार देख लीजिए। देर आर सम वर्ड्स इन मोस्ट लैंग्वेज हुज प्रोनंसिएशन सजेस्ट द मीनिंग, मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक वूम, स्प्लैश, zigzag, बी साउंड हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में ही पूरा कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस का बता देते हैं। उन्हें हम ओनोमेटोपोइक या एक्वाइक वर्ड्स कहते हैं। कौन से वर्ड्स होते हैं ये? ओनोमेटोपोइक या फिर एक्वाइक वर्ड्स कहते हैं। इसके बाद में आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हो हो, सी यहाँ पे क्या चीज़ आपको गिवन है, देर आर मेनी सेंटेंसेज इन अ पर्सन स्पीक विच इज नेवर स्पोक ऑन हियर बिफोर, मतलब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो आपने कभी बोले नहीं हैं, कभी सुने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। दिस इज़ असेंशली, मतलब हमें ज़रूरत पड़ जाती है। दिस इज़ असेंशली व्हाट इज़ मीन बाय क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, तो यही चीज़ है जो हमारी लैंग्वेज है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। अब यहाँ पे देखिए, अटर्ड बिफोर, ये जो वर्ड है ना, मैंने इसको अंडरलाइन किया गया है, इट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर वर्ड का साउंड बताना इन योर वॉइस। इसका अगर ऑपोजिट आप देखेंगे तो इट मीन्स कोई चीज़ वॉइसलेस है, जिसमें आवाज़ नहीं है, साइलेंट है, म्यूट है, तो ये चीजें आती हैं। नाउ द एबिलिटी टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड नोवल सेंटेंसेस विच वन हैज नेवर अटर्ड बिफोर, मतलब कि जिसने कभी पहले सेंटेंसेस को सुना नहीं और समझा नहीं, कभी बोले नहीं, और उसके बाद भी आप वो लैंग्वेज को सीख के और उस चीज को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये नोइंग ऑफ वर्ड्स में आता है। नाउ इसकी लास्ट हेडिंग है नॉलेज ऑफ एप्रोप्रिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा आपने ना सुना होगा कि बोलना हमें आ जाता है बहुत पहले, लेकिन कब और कहाँ और कैसे बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र बीत जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है आप यहाँ से सीखिए, देखिए क्या है इसमें। एबल टू क्रिएट नोवल सेंटेंसेस इज़ नॉट इनफ, वन मस्ट एग्जैक्टली नो वेयर दे कैन बी यूज, मतलब कि सेंटेंस बनाना इट्स नॉट अ बिग थिंग, आई एम सॉरी, अगर सेंटेंसेस को बनाना है ना, तो वो मतलब इनफ नहीं है और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि कहाँ पे उसको एग्जैक्टली यूज़ करना है। वन मस्ट हैव एन नॉलेज टू अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट फॉर देयर यूज़, दिस इज़ अ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ना बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है सिचुएशन को कि वहाँ पे क्या चीज़ बोली जा रही है। जैसे कि अगर आप अपने बॉस से बात करें तो आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत फॉर्मल होगा, हर चीज़ आप उनसे पूछेंगे ना तो वो बहुत फॉर्मल वे में पूछेंगे। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं तो आपका फॉर्मल तो छोड़िए, आपकी वर्डिंग भी पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही होगी, ये भी आपको आइडिया नहीं है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हैं। वहीं आप अपने रिलेटिव से या अपने पेरेंट्स से, किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपसे बड़ा है, तो उस टाइम पे आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, कुछ अलग तरीके से हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे तीन तरीके की फंक्शंस में, नॉलेज में। नाउ चेक योर प्रोग्रेस करते हैं। चेक योर प्रोग्रेस में आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं, ये गुड न्यूज़ है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस क्यों नहीं करने, ये भी मैं आपको वजह देती हूँ। नाउ चेक योर प्रोग्रेस 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कैन अ नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज एग्जिस्ट विदाउट नॉलेज ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, अब बताइए इसमें क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको नॉलेज है ना किसी भी लैंग्वेज की, तो क्या वो एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि अगर आपको कुछ बोलना आता है, नॉलेज है, तो अगर आप में सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब सोशली इंटरेक्ट करना नहीं आता, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल लेवल पे किसी से कैसे बात करें। सपोज़ आपको कुछ भी बोलना आता है, आपको सब कुछ बोलना आता है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता कि आपको अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, बाहर आप किसी से मिल रहे हैं जिससे आपको कोई काम नहीं है, तो उससे आपको कैसे बातें करनी है, ये सब चीज़ें ना इसमें आती हैं।
वैसे ये और डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसमें वे ऑफ टोन जो होता है ना, किसी से आपको कोई काम नहीं है, स्टिल आपका जो टोन है वो बहुत पोलाइट है, बहुत सबके साथ अच्छा है, तो ये चीज़ बताती है कि आप कितने मतलब कि आपका जो लैंग्वेज पे कमांड है, या फिर आप कितने शांत टाइप के इंसान हैं, और आप कितना अच्छे से किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये आपकी डिग्री नहीं बता सकती है, तो ये आपका बिहेवियर बताता है, आपका सोशल इंटरेक्शन बताता है। ओके, तो इसका आंसर होगा नो, और बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स इन योर मदर टंग। ये देखिए, क्वेश्चन करना नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप करना चाहें कर सकते हैं, कि आपको अपने मदर टंग में जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आपको कुछ साउंड्स की लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज साउंड्स आर एब्सेंट इन अदर लैंग्वेज दे से इन इंग्लिश। तो ये जो आपने लैंग्वेज की लिस्ट बनाई थी उसी से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा। Now the next question is, what do we mean by signifier and signified? How are they related? जो signifier है और signified क्या होता है, वैसे मैंने आपको बताया signifier का मतलब होता है sound and signified का मतलब होता है meaning. तो ये कैसे आपस में relate करते हैं, इसको थोड़ा detail में हम देखते हैं page number 23. Now page number 23 पे चलते हैं, मेरा या पेज नंबर 23 देखिए यहाँ पे क्या चीज़ given है। अच्छा, ये जो सोशल कॉन्टेक्स्ट वाला एग्जांपल था ना, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देख लेना इसको। आप देखिए सिग्निफायर का क्या मतलब है, इज़ अ साउंड ऑफ अ वर्ड विच इज़ डिफरेंट इन ईच लैंग्वेज। सिग्निफायर का मतलब है साउंड से रिलेटेड, जब आप बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उसका साउंड का जो वर्ड का जो साउंड है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन सिग्निफाइड वर्ड का मीनिंग हो गया उसका मीनिंग, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ट्री का आपको एग्जाम्पल था, आप उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं आंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए। इन शॉर्ट, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ना हर वर्ड का एक अलग साउंड होता है, उसे हम सिग्निफायर कहते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग जो है ना वो सेम है, उसे हम सिग्निफाइड कहते हैं। यहाँ पे ट्री का एग्जांपल है, इसके अलावा आप और भी किसी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी मिठाई ले लीजिए, रसगुल्ले का एग्जांपल ले लीजिए, रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला हो गया। तो देखिए दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनका जो साउंड है वो क्या हो गया, अलग हो गया। ये मीनिंग हो गया सिग्निफायर और सिग्निफाइड का। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज आर्बिटरी, इट इज़ अ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्वेंशन विच इज़ फॉलोड बाय अ लिंग्विस्ट कंपनी कम्युनिटी सॉरी हाँ इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव द राइट टू चेंज दिस सिग्निफायर्स। मतलब जो ये सिग्निफायर्स है ना, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जो साउंड उसका जहाँ पे जिस स्टेट में जैसे बना दिया गया है वो उसी अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो यही चीज़ है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में। नाउ इसके साथ में आपकी चेक योर प्रोग्रेस 4 ख़त्म होती है। अगर इनमें क्वेश्चंस में टॉपिक में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको चेक योर प्रोग्रेस 5 करवाऊंगी विद इंट्रोडक्शन। और अगर वीडियो लाइक करिए अगर अभी तक नहीं करी, और चैनल को सब्सक्राइब भी, एंड प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।